प्रज्ञ धरा एवं गौरव धरा गुजरात के तमाम प्रबुद्ध मंचस्थ श्रेष्ठी कला कसब और कौमी एकता से इस धरती को पावन करते हुए आप सभी को गुरुवर गुरुदत्त के गिरनारी शिखर से उठती और इस सूर्यपुत्री तापी के तट तक फैलती एक छोटी सी गूंज राधा के नतमस्तक वंदन। आज के इस युग परिवर्तक पर्व में मैं कुछ ऐसे विचार, ऐसे दृष्टांत, ऐसी पंक्तियां कहना चाहती हूँ जिसमें कुछ नया नहीं है, वे युगों से अस्तित्वमान है, कहीं ना कहीं लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं, गाए गए हैं, सुने सुनाए गए हैं, समय के साथ समय की तरह अनंत और विराट हो गए हैं। मेरा तो बस एक नम्र प्रयास है उस फलक पर दृष्टिपात करने का जहाँ अंत में एक ही निष्कर्ष निकलता है, धर्म शाखा रूप अनेक, अंत में वृक्ष एक। यह कथन पूज्य बापू ने किया है कि पूरे विश्व में मूल धर्म एक ही है, लेकिन यहाँ कुदरत ने सीधी रेखा नहीं बनाई और इसीलिए विभिन्न धर्मों की शाखाएं बन जाने से मूल धर्म ये विभिन्न शाखाओं से युक्त एक महावृक्ष बन चुका है। धर्म शाखा रूप अनेक है, किंतु वास्तव में वृक्ष एक ही है। यदि हम समग्र मानव जात के प्रति एक व्यापक दृष्टि से देखें, तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि यदि सभी मनुष्य एक जैसे ही है, सबकी मूल जरूरतें एक ही है, सभी मनुष्यों का स्वभाव एक ही है, तो फिर भिन्न भिन्न मानव समुदाय अलग कैसे हो सकते हैं? उसको पालने वाली और न दिखने वाली वो परम शक्तियां अलग कैसे हो सकती है? इसी विचार के प्रति ध्यान को केंद्रित करने का रास्ता है धर्म। भीतर की जागृति की ओर ले जाने वाला रास्ता है धर्म। संस्कृत धातु द्यु का अर्थ है धारण करने वाला, धर्म का अर्थ है भलाई को धारण करना, सद्भावना को हृदय में अंकित करना, चिरंजीव करना। इसी तरह मजहब शब्द का अर्थ है मार्ग, जो रास्ता सबकी भलाई का है, सबके हित का है, वही सच्चा मजहब है। और रिलीजियन शब्द जिस धातु से बना है उसका अर्थ है जोड़ना, जो भावना एक मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ के रखती है वो है रिलीजियन। शब्द चाहे कोई भी हो, धर्म मजहब या रिलीजियन, अर्थ एक ही है, मानव की मानव के प्रति सहृदय का प्यार का बंधन और परस्पर के सद्भाव से सबका कल्याण। विश्व के कोई भी महान से महान योगी, सूफी, संत, वली, ऋषि या नबी सभी इसी बात को अनुमोदन देते हैं कि इस मिट्टी की काया के भीतर और बाहर एक अनहद शक्ति अस्तित्वमान है जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है। उसे अपने मन पसंदीदा नाम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये तो सब हमने दे रखे हैं। हिंदुओं का ऋग्वेद या भगवत गीता, यहूदियों की तौरा, पारसियों का जंद अवस्था, बौद्धों की त्रिपिटक, ईसाइयों का बाइबल, मुसलमानों का कुरान शरीफ, यदि इन सभी महापवित्र ग्रंथों को एक साथ रखकर उसका पठन, चिंतन और मनन किया जाए तो ये बात आसानी से समझ में आएगी कि उन सभी में कही गई मूल बातें एक ही है और इसी बात को समर्थन देती है कि धर्म शाखा रूप अनेक, अंत में वृक्ष एक। कुरान शरीफ में सर्वशक्तिमान का नाम है अल्लाह। ऋग्वेद में लिखा है इल अर्थात ईश्वर। तौरा और जंद अवस्था में भी इल शब्द का प्रयोग परम तत्व के लिए किया गया है। कुरान शरीफ की सबसे पहली सूरत उल फातिहा, इहद्दिन सिरातल मुस्तकीम अर्थात हमें सन्मार्ग पे ले जाओ, और ईशोपनिषद का कथन अग्ने नय सुपथा, हमें सन्मार्ग पे ले जाओ, बस एक दूसरे का केवल भाषांतर है। गीता में जो है सर्वलोक महेश्वरम, वही कुरान में रबील आलमीन और ओम वही आमीन। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि अखिल ब्रह्मांड मां एक तुम श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। और खुबुल्ला शाह कलंदर कहते हैं कि सत्य यही है कि समग्र ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मनाद गूंज रहा है। गीता हिंदुस्तान का कुरान है और कुरान और बस्तान की गीता। जगत के सभी धर्मों में सदाचार का आचरण और दुराचार का निवारण करने का उपदेश समान ही दिया गया है।
सभी धर्मों यह कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा दूसरों से रखता है, उसी प्रकार का व्यवहार वो भी दूसरों के साथ करे। इस सुवर्ण नियम को विभिन्न शास्त्रों ग्रंथों में कुछ इस तरह से कहा गया है। हिंदू धर्म कहता है, कर्तव्य का सार यही है, जिससे तुम्हें दुख हो वो अन्य के प्रति मत करो। जैन धर्म कहता है, सुख में और दुख में, आनंद में और व्यथा में हम जितनी परवरिश खुद की करते हैं उतनी ही दूसरों की करो। बौद्ध धर्म कहता है, जिससे तुम्हें दुख हो उससे अन्य को आघात मत पहुंचाओ। सिख धर्म कहता है, तुम्हें खुद की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा दूसरों की जानो। ताओ धर्म कहता है कि अपने पड़ोसी के लाभ को अपना लाभ, अपने पड़ोसी के नुकसान को अपना नुकसान मानो। जरथोस्ती धर्म कहता है कि स्व के लिए जो अच्छा नहीं है वो दूसरों के प्रति न करने का स्वभाव, यही अच्छा स्वभाव है। यहूदी धर्म कहता है, जो आपके लिए आघातजनक है वो अपने मानव बंधुओं के प्रति मत करो। इस्लाम धर्म कहता है कि इंसान जो चीज खुद के लिए चाहता है वही जब तक अपने भाइयों के लिए नहीं चाहता तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं है। और ख्रिस्ती धर्म का विधान है कि आपकी दृष्टि से जो व्यवहार दूसरों को आपके प्रति करना चाहिए वही सारी चीजें आप भी दूसरों के प्रति करो, क्योंकि यही पैगंबरी नियम है। ये सारा जो शास्त्र ग्रंथों के विधान है जरूरी नहीं है। मानव वर्ताव का संदर्भ लेकर हमने जो विभिन्न शास्त्र ग्रंथों से ये विधान देखे, ये तो सिर्फ एक दृष्टांत है। हम कोई भी धर्म ग्रंथ ले लें और कोई भी मूल बात, राष्ट्र भावना, मानव धर्म और भीतर की जागृति से अधिक कहीं भी कुछ भी नहीं है। इसी बात को संत कबीर जी कुछ इस तरह से दोहराते हैं कि भाई रे, दुई जगदीश कहां ते आया, कहो कौन बरमाया, अल्लाह राम करीमा केशो, हरि हजरत नाम धराया। वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। गहना एक कनक ते गहना, इनी महभाव न दूजा, कहन सुनन को दो कर थापन, एक नमाज एक पूजा। गीता का धर्म युद्ध हो या फिर कुराने शरीफ की जेहाद फी सबिलल्लाह, अंत में जीत उसी की होती है जिसके पक्ष में शील, सदाचार और सद्भावना है, धर्म है, न्याय है, सनातन सत्य है। वस्तुतः यह भीषण संग्राम मानव मन के भीतर में है और उसके ऊपर जीत यही विश्व की सबसे बड़ी जीत है। हमारे राष्ट्र के ईश्वर भक्तों की परंपरा में संत कबीर जी, दादू साहब, संत तुकाराम जी, चैतन्य महाप्रभु जी, गुरु नानक जी, हजरत ख्वाजा, हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, साईं बाबा, संत रैदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई, खुबुल्ला शाह, ये सब ऐसे अनमोल रत्न है, एक ही वृक्ष के ऐसे पुष्प है जिन्होंने सभी धर्म एक ही होने की सिद्धांत की गहनता पर हमेशा प्रकाश डाला है और इसी बात को अनुमोदन दिया है कि धर्म शाखा रूप अनेक, अंत में वृक्ष एक। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने वो काफिर पे पीर। संत कबीर जी की यही पंक्तियां पूज्य बापू को कुछ अलग शब्दों में प्रिय थी। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो है मन अभिमान न आने रे। आज का ये पर्व शायद उसी मानव धर्म की पूर्ति करता है। मनुष्य की मनुष्य के प्रति सहृदयता, प्रेम प्रेम का बंधन, परस्पर का आत्मीय सद्भाव, शायद यही सबसे बड़ा धर्म है। कुरान में अगर ईमान ना मिला, गीता में ज्ञान ना मिला, गुरु ग्रंथ में सतनाम ना मिला, क्या मिलेगा खुदा आसमान में, जिसे इंसान में इंसान ही ना मिला। आज के इस पर्व द्वारा हम एक नई ऊंचाई की टहनी पर जा रहे हैं। धर्म की एकता ये नई ऊंचाई प्राप्त करने वाले राष्ट्र की जड़ है, सत्य और सदाचार का पेड़ भी है और उस नई ऊंचाई की टहनी पे खिलने वाली हमारी अपनी आत्मीय संस्कृति के नवपल्लवित पर्ण भी है। हम अपने राष्ट्र के लिए गर्व से कह सकते हैं कि यहाँ गीता एक उत्तम विचार है, कुरान एक उत्तम वाणी है और बाइबल एक उत्तम आचरण है। यदि आज के इस पर्व द्वारा इस विचार, वाणी और बर्ताव के ऐक्य को हम एक ही बिंदु पे देख सके,
सके तो निशंक वही बिंदु पर अनंत और अखंड अगाध और अमाप सुख हमारी प्रतीक्षा करता दिखेगा, जो एक लयबद्ध तरीके से गा रहा होगा, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंध चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम वंदे मातरम।